वेलकम टू APS एजुकेशन। आज हम लोग लाइट चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर से आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के बोर्ड में आएंगे ही। तो आप लोग ऑनलाइन क्लास के सभी बच्चे को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग नोट भी करिएगा सभी चीज़ को। हम लोग अभी MCQ करने वाले हैं। तो MCQ का पहला जो क्वेश्चन है, द मिरर विथ इन्फिनिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, क्या क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, इम्पॉसिबल टू गेट सच मिरर। इसका आंसर होने वाला है आपका सी नंबर, प्लेन मिरर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, ठीक है ना? तो इसका आंसर होने वाला है आपका बी नंबर। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू सफीरो कॉन्केव मिरर, द इमेज विल बी फॉर्म। इस थ्री का आंसर होने वाला है आपका डी नंबर। यहाँ से देखिए डी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, देन एन इमेज ऑफ हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट हाउ मच डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस में वो फॉर्म करेगा। तो इसका आंसर होने वाला है आपका ए नंबर, 20 सेंटीमीटर हाफ। क्वेश्चन नंबर 5। द इमेज फॉर्म्ड इज इन कैमरा इज, इमेज जो है कैमरा के सामने कैसा आता है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर होने वाला है बी नंबर, रियल, इन्वर्टेड और छोटा, स्मॉल आने वाला छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट माइक्रोस्कोपी ऑफ ह्यूमन आई। इसका आंसर होने वाला है 6 का सी नंबर, मतलब कॉन्केव लेंस। लाइट रे एंटर इनटू ग्लास मीडियम फॉर एयर मीडियम, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विल रिमेन अनचेंज। क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर होने वाला आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8। इफ लाइट इज वायलेट कलर पासिस थ्रू द प्रिज्म मीट, ठीक है ना? कितने कलर्स में वायलेट कलर में मतलब चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है आपका डी नंबर। द लाइनर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बिकम्स यूटिलिटी वेन यू, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर एंड डी नंबर। नंबर 9 का, नंबर डी नंबर। नंबर 10, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है सी नंबर। आप लोग ध्यान समझिए। विच, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल ऑलवेज फ्रॉम वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, द डेविएशन ऑफ विच कलर ऑफ इमेज ऑफ लाइट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर होने वाला है डी नंबर, वायलेट कलर। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका आंसर होने वाला है आप लोग का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, वेन आर ए लाइट इन इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन ए ट्रांसपोर्ट ग्लास स्लैब द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन विल बी। इसका आंसर होने वाला है आप लोगों का क्वेश्चन 14 का ए नंबर। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वेवलेंथ, किसमें ज़्यादा हाइस्ट वेवलेंथ होता है? क्वेश्चन नंबर आंसर सी, इन इन्फ्रारेड रे में। क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड आर 45 degrees 30 degrees रिस्पेक्टली, देन द लेंथ ऑफ डिवीजन इज, कितना होगा? इसका आंसर होने वाला है बी नंबर। अब शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, पहले शॉर्ट क्वेश्चन में। विच मिरर इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर, कौन से मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है? तो इसका आंसर है कॉन्केव मिरर। लाइट रे अवे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन सिलैंडरिकल मिरर, ये सही है या फिर गलत, ठीक है ना? सिंपल मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन के दौरान रे जो होते हैं वो आते कि नहीं आते हैं। इसका आंसर होने वाला है आपका 2, सही आंसर है, ठीक है ना? तो अभी तक हम लोग जो करवाए हैं, अभी आप हम लोग का पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग ध्यान से समझिए और लिखिए भी कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अमॉन्ग द वेरियस कलर्स प्रेजेंट इन सनलाइट, इन केस ऑफ विच कलर ऑफ लाइट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम, है ना? तो ज़्यादातर कौन सा कलर होता है? वायलेट कलर। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविजन एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट रिजेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 60 degrees इन अ ग्लास स्लैब। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर होने वाला 0 degrees।
The larynx magnifications of the image formed by which lens is always less than one. Question number 5. Concave lens. In the planks, the lens of human eye is actually a dash lens. ठीक है ना, तो कौन सा लेंस होता है इसका? क्वेश्चन नंबर 6, इसके आंसर होने वाला है कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट फ्रॉम द नॉर्मल आई ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, इसके आंसर होने वाला है आप लोगों का 25 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस होने वाला है? व्हाट राइट टू एंड फॉल्स डिस्प्रेशन ऑफ व्हाइट लाइट ऑकर वाइल पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्वेश्चन नंबर 8, फॉल्स। 9, अमंग द विजिबल लाइट द वेवलेंथ ऑफ व्हिच कलर इज मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 9, इसका उसका आंसर होने वाला है आप लोगों का, इस आंसर को हम नहीं बताते हैं, ये आंसर आप लोग एक्सेप्ट करके दिखाइए एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर विल बी द इमेज ऑफ सन वी फॉर्म बाई अ कॉन्वेक्स लेंस विथ रिस्पेक्ट द लेंस। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर होने वाला है द प्रिंसिपल फोकस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल द ब्लैंक्स इफ द लाइट रे पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इंसिडेंट ऑन द लेंस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे यूटिलाइट इन। इसका आंसर होने वाला है एक्स वाई बाई जेड, और एक आंसर होने वाला है इन द फोकस। क्वेश्चन नंबर आपका 12, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 16 सेंटीमीटर देन वाट विल बी फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर। इसके आंसर होने वाला है एफ इजकल टू आर बाई टू, मतलब 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडिविजुअल रे इज यूज टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। इसका आंसर होने वाला है आप लोगों का एक्स रे। एमॉन्ग अल्ट्रावायलेट रे, गामा रे एंड एक्स रे द वेव लेंथ ऑफ विच इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा रे होता है? इसका आंसर है अल्ट्रा वायलेट रे। गिव अ नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रेशन ऑफ लाइट। इसका आंसर होने वाला है रेनबो। विच टाइप ऑफ लेंस कैन रेटिफाई मायोपिक विजन। इसका आंसर होने वाला है कॉन्केव लेंस। क्वेश्चन नंबर 617, बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच वन इज ग्रेटर देन लाइट ट्रेवल फॉर्म्स अ रियर टू अ डेंसर मीडियम। इसके आंसर होने वाला है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 का एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से इसको करिए, आगे और भी है। इसके बाद हम लोग का आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, देखिए व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन अ व्यू फाइंडर ऑफ मोटर कार। है ना, तो मोटर कार में कौन सा मिरर लगा हुआ रहता है? इसका आंसर होने वाला है कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन अ कॉन्केव मिरर। इसका आंसर होने वाला है 0 डिग्री। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर सरफेस आर देयर इन अ प्रिज्म। इसका आंसर होने वाला है 3। तो यदि आप लोगों को समझाने में समझ में आया होगा और इसको इससे आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है एग्जाम्स में, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, बेल आइकन्स ऑन करके रखिए, ताकि इसी तरह से और भी जब पेपर करें तो आप लोग तक पेपर्स के सारे क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट्स है वो आप लोग तक पहुँच पाए और आप लोग इसको नोट कर पाएँ, ताकि एग्ज़ाम्स में आप लोग को हेल्प हो सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय जय।